حمد رمي صاحب का तवाफ करने लगा।
तवाफ करने लगा, उसने इज्जत की, रब्बे जुल जलाल ने उसके दिल के अंदर भी नूर की चमक पैदा कलमा पढ़ गया। उधर ये सरे अनवर जब यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद बदबख्ती करता रहा, तोहीन करता रहा, छड़ी मारता रहा, इमाम हुसैन के दबों को जिन दबों को मुस्तफा चूमते रहे वहां के छड़ी मारता रहा। रब्बे जुल जलाल ने शहीद किया, बीमारी लग गई, कीड़े पड़ गए, आंतें कट गई, बीमारी से तड़पता रहा, दीवारों को टकले मारता रहा, अपने बेटे को कहने लगा कि अब मैं ये तख्त छोड़कर जा रहा हूँ, अब इस तख्त का वारिस तू बनेगा। बेटे ने कहा कि बाप, जिस तख्त के बाद तू देखता रहा, इस तख्त के ऊपर मैं थूकता भी नहीं हूँ, जिस तख्त पे आले मोहम्मद के खून के धब्बे लगे हुए। मर गया श्री जो बात, आज गया उसका सुलब मिट गया। समरकंद के इलाके के अंदर एक औरत अपनी दो बच्चियों को सज्जादी थी, दो बच्चियों को लेकर रास्ता भटक गई, रास्ता भूल गई, तो भूल गई तो किसी से पूछने लगी कि लोगों मुझे बताओ यहाँ पे मुसलमानों का इलाका कौन सा है। किसी ने बताया कि ये मुसलमानों का इलाका है और एक सरदार है मुसलमानों का, तो जाके सरदार के दरवाजे पे दस्तक दे के। जब सरदार बाहर आया, कहा बीबी क्या है, कहने लगी मैं सय्यदजादी हूं, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ, मेरे साथ दो बच्चियां हैं, हम रास्ता भूल गए, हमें एक रात हमें अपने पास ठहरा लो, मेरी बच्चियां भूखियां खाना दे दो। वो सरदार कहने लगा तेरे पास क्या दलील है कि तू रसूलुल्लाह की बेटी है, कोई शजरा नसब दिखा सकती हो। सय्यदजादी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी कि मेरे पास, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, कोई दलील नहीं है, लेकिन मैं कसम से कहती हूँ मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। कहने लगा नहीं, दरवाजा बंद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी चलती चलती एक यहूदी के दरवाजे पे पहुंच गई, जाके दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर आया, कहा बीबी क्या है, कहने लगी कि मैं सय्यदजादी हूँ। कहने लगा वो मुसलमानों के नबी की बेटी हो, मुसलमानों के नबी की बेटी, कहने लगा कि मेरे घर के बर्तन इस काबिल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बर्तनों को धोया गया, सय्यदजादी की इज्जत की गई, खाना खिलाया गया, बेहतरीन जो बिस्तर थे उन पे सुलाया गया। अब क्या हुआ, यहूदी भी सोने के लिए चला गया, वो मुसलमान सरदार भी सोने के लिए चला गया। अब मुसलमान सरदार ख्वाब में क्या देखता है कि जन्नत के दरवाजे पे है, देखता हूँ कि जन्नत के अंदर मुस्तफा अली सलात और तशरीफ भी मौजूद है, और वही सय्यदजादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से प्यार कर रहे हैं। मैं जन्नत में दाखिल होने लगा, फरिश्तों ने कहा क्या बात है, कहने लगा मुसलमान हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा बता तेरे पास क्या दलील है कि तू मुसलमान है, बता कोई है सबूत। फरिश्तों ने पीछे धक्का दिया, दरवाजा बंद किया, आंख खुली तो अब थोड़ा वो सय्यदजादी को तलाश करते करते मारा मारा यहूदी के दरवाजे पे पहुंच गया, जाके दरवाजा खटखटाया, यहूदी आया, कहने लगा कि वो सय्यदजादी जिसके साथ वो बच्चियां थी वो तेरे घर में है। कहा हाँ मेरे घर में है। कहने लगा कि उनको मेरे हवाले कर दो। यहूदी कहने लगा नहीं करूंगा, कहने लगा जितनी रकम मांगते हो देता हूँ, सय्यदजादी को मेरे हवाले कर दो। कहने लगा नहीं करूंगा। मुसलमान कहने लगा कि क्या वजह है, क्यों? यहूदी कहता है कि अगर पहले आता तो हो सकता कि मान जाता, लेकिन अब जो तू ख्वाब के अंदर देख के आया वो मैं भी देख चुका हूँ। मैंने सय्यदजादी की इज्जत की, रब्बे जुल जलाल ने मुझे ईमान की दौलत नसीब फरमा दी। मेरे भाइयों, सैयद आले अहले बैत से मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है। देखो जिनों जिनों ने इज्जत की, रब्बे जुल जलाल ने मकामात अता फरमा दी। मेरे भाइयों, अहले बैत से अब जो बंदा, मैं हम सारे यही कहते हैं कि हम सुन्नी लोग जो है ना अहले बैत के साथ बड़े प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कसम से ऐसे ही बात है, जैसी अहले बैत को सियाबा से मोहब्बत सुन्नी करता है, कोई माई का लाल कारी नहीं। लेकिन मुझे ईमानदारी से आप ये सिर्फ बात बता दें, टाइम खत्म है, कि जो बंदा बेनिमाजी हो वो 10 मुहर्रम को देगे पका दे, तो क्या ये अहले बैत के साथ मोहब्बत की दलील है? जिस बंदे ने कभी कुरान खोल के ना देखा हो और वो कहे कि मुझे हुसैन से बड़ा प्यार है, क्या दावे में सच्चा है? और इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर जो बात है,
कि हम पूरा साल निवाजे भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, उमरे भी करें, जनाब जकात भी दे, अहले बैत के लिए जनाब सिकरे हुसैन की महफिल का भी बढ़ चढ़ कर इमाम करें, बड़ी सारी बेटे पकाए, लेकिन जब इलेक्शनों की बारी आए तो जनाई को वोट दे दे, शराबी को वोट दे दे, चोरों को वोट दे दे, मुझे बताओ कि ये इमाम हुसैन के साथ हमने कौन सी वफादारी की? यही तो इमाम हुसैन ने हमें दर्स दिया कि जान जाती है तो चली जाए, लेकिन जालिम के हाथों में हाथ ना जाए। भाइयों हमने बस ये देखना है, अहले बैत के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत उसी बंदे की है जो अहले बैत की जो सीरत है, जो उनकी तालीमात है, उन पर अमल करता है। रब्बे सुल्जलाल हम सब के दिलों के अंदर अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। आप सारे बंदों का शुक्रिया और सारे बंदों को मुबारकबाद देता हूँ, खसूस मेरे बरादरे पर अलामा कारी मोहम्मद अफसर रजवी साहब, बड़ा खूबसूरत इंतजाम किया। रब्बे सुल्जलाल आपको बरकतों से नवाजे। आमीन। मुबारक।